वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाथों और पाँव को बिना किसी वाइटनिंग क्रीम के और बिना वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाए आप अपने स्किन को कैसे गोरा बना सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। गर्मियों में आप कैसे हाथों और पाँव की स्किन को निखार सकते हैं, हाथों और पाँव पर जूतों के निशानात को ख़त्म कर सकते हैं, हाथों पर बर्तनों की जमी मैल को कैसे साफ कर सकते हैं। रोज़ाना आपने स्टिक का इस्तेमाल करना है, एक माह के अंदर अंदर आपके हाथ मिल्की वाइटनिंग हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आपने करना ये है कि शुगर पाउडर लेना है एक चम्मच और इसमें एक चम्मच शहद ऐड करना है। इन दोनों को आपने मिक्स करना है, जितना ये मिक्स हो सकते हैं आपस में उतना आप मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है रोज़ वाटर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, जो भी मुझे देखता है आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त मुझे। तो चीनी और चीनी का पाउडर और शहद आपस में जितना मिक्स हो सकता था हो गया। अब हम इसमें एक चम्मच रोज़ वाटर ऐड करेंगे और फिर इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। चीनी का जो पाउडर है फाइन पाउडर नहीं है, दंदना सा मैंने इसको पीस ग्राइंड कर लिया है या पीस लिया है ताकि ये स्किन पर स्क्रबिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो चीनी के दाने बड़े बड़े थे तो मैंने शुगर पाउडर बना लिया। तो ये देखिए, रोज़ वाटर ऐड करने के बाद हमारे पास इस तरह का आमिजा तैयार हो गया है। अब हम इसमें आधा चाकर चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट आपके हाथों और पाँव की रंगत को बहुत अच्छे से निखारेंगे, सन टैनिंग को ख़त्म करेंगे। हाँ, आपके पाँव अगर आप सैंडल पहनते हैं, सैंडल के निशानात पड़ गए हैं, जूतों के निशानात पड़ गए हैं, तो आप अपने ज़िद्दी से ज़िद्दी निशानात को इसी चीज़ से साफ कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हम इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉफ़ी पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स नहीं होगा, ये भी दानेदार टाइप रहेगा जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसका कोई इशू नहीं है। तो आपने इसको अप्लाई करना है अपने हाथों और पाँव को बिना वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाए, बिना किसी वाइटनिंग क्रीम के इस्तेमाल किए गोरा बना सकते हैं। और आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे एक लीमू का रस। पूरा आपने मीडियम साइज़ का लीमू लेना है, उसका रस आपने इसमें ऐड कर देना है। नेचुरल ब्लीच आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है, घर में ये ब्लीच क्रीम तैयार करें, हाथों और पाँव की स्किन को खूब निखारें। हाथों और पाँव के लिए है ये, गर्दन और चेहरे पर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो ईद से पहले पहले आप अपने हाथों और पाँव की रंगत लाजमी निखारें। थैंक यू सो मच।